देश को ताकतवर बनाने में टेक्नोलॉजी का बेहद ही बड़ा योगदान होता है, इसलिए 11 मई को भारत में टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। इतिहास में ये तारीख इसलिए भी अहम है क्योंकि इसी दिन भारत ने 1998 में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया था। यह दिन देश की तकनीकी क्रांति के लिए भी याद किया जाता है। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। सुबोध पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल केवी शर्मा ने बताया कि 11 मई को राजस्थान के पोखरण परीक्षण श्रृंखला में भारत ने दूसरी बार सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया था। इसी ऑपरेशन का नेतृत्व डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था और इसे ऑपरेशन शक्ति या पोखरण 2 कहा जाता है। इस उपलब्धि को चिन्हित करने के लिए ही इस दिन को मनाया जाता है। इसी दिन के उपलक्ष में आज से सुबोध कॉलेज में विज्ञान संस्कार के 3 दिवसीय शिविर का शुभारम्भ किया जा रहा है। इसमें 17 स्कूल और 7वां विद्यालय के छात्र भाग ले रहे हैं। वहीं डॉक्टर अभय जीरा वाइस चेयरमैन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने सभागार कक्ष में छात्रों को मोटिवेशनल टिप्स दिए। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो आज उन्होंने विज्ञान भारती ने सुबोध कॉलेज में जो ऑर्गेनाइज किया है, मैं पहले तो उनको बहुत बधाई देता हूँ। और इन्होंने जो थीम इस टाइम पकड़ा है वो जो इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप रिलेटेड थीम है, तो बहुत ही अच्छा है। और बच्चे स्कूल से भी आए हैं क्योंकि हमको इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप स्कूल के बच्चों को में भी प्रमोट करने की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ से ही आइडियाज़ आती है और वहीं क्रिएटिविटी को अगर हम नर्चर करेंगे तो आगे जाके और बच्चे वो क्रिएटिव बनेंगे। तो इस हिसाब से मैं इन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, इन लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है, थैंक यू। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को आता है। पूरा भारत और AICT और DST ने इसका प्रारंभ किया था। 11 मई 1998 को जो भारत में पोखरण विस्फोट हुआ था और भारत एक न्यूक्लियर पावर में सम्मिलित हो गया था, इस उपलक्ष में पूरे देश में नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। इस स्थिति के अंदर इस समय हमारे सुबोध महाविद्यालय के अंदर नेशनल टेक्नोलॉजी डे का मनाया जा रहा है और विज्ञान भारती के संयोजन के साथ में हम ये मना रहे हैं। इसमें हमने 17 स्कूल से स्टूडेंट्स, इसके अलावा 7 महाविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेजेस से हमने स्टूडेंट बनाए, फैकल्टी है की है। इसके लिए उन्होंने वर्कशॉप, वर्किंग मॉडल्स और अपने अपने प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं और उनमें 3 दिन तक हमने मेंटर्स को बनाया है जो हर ग्रुप में 9th to 11th, 6th to 8th और कॉलेजेस को मेंटर करेंगे और एक नए प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन स्टार्टअप, इनके लिए छात्रों को प्रेरित करेंगे। महाविद्यालय में भी, चूँकि महाविद्यालय में विज्ञान के 5000 से अधिक छात्र पढ़ते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर 12 सब्जेक्ट में, साइंस के पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट में PG है हमारे यहाँ, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे महाविद्यालय के छात्रों को भी इसका लाभ होगा, संकाय सदस्यों को भी लाभ होगा। और चूँकि DBT स्टार कॉलेज है ये, इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और AICT के सामंजस्य से इस महाविद्यालय ने नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2024 का आयोजन कर रहा है।